बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। फैसल गुमन आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर है। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, दुनिया के बड़े मुल्क और ताकतवर मुल्क ज़मीन को छोड़कर अब खला में जा चुके, चांद को तस्खीर कर रहे हैं, मरीख तक जा रहे हैं। आपको पता है कि स्पेस टूरिज़म शुरू हो चुकी है और पिछले साल इंडिया चंद्रयान 3 का मिशन चाँद पर उतार के उन बड़े मुल्कों में शामिल हो गया कि जो अब स्पेस की जो हाकमियत है, हेजमनी है, उसको अचीव करें। और इंडिया ने ये कारनामा सर अंजाम देने के बाद अब जैसे उसकी तशहीर की पूरी दुनिया जानती है और हम सिर्फ उनकी तारीफ करते रह गए कि जी वाह वाह क्या बात है जी, इंडिया जो है वो चांद पे अपना मिशन उतारने में कामयाब हो गया। अब नाज़रीन, पाकिस्तान की अगर हम स्पेस में कुछ कंट्रीब्यूशन की बात करें तो थोड़ी बहुत तो चलती रहती है कि खलाई मिशन जो है वो पाकिस्तान अपने छोड़ता रहता है चाइना की मदद से। लेकिन अब एक खुशखबरी एक ये है कि चांद पे जाने के लिए पाकिस्तान का एक सैटेलाइट मिशन जो है वो जाने के लिए अपना तारीखी मिशन जिसे कहा जा रहा है वो तैयार है और चीन की मदद से 3 तारीख को 12:50 पे हमारा जो लूनर मिशन है, ये इसका नाम है IQQ, ये रवाना होगा और ये चाइना के हेनान जो सूबा है वहाँ से Chang-6 लूनर प्रोब जो है चाइना का, उसके थ्रू ये चांद की तरफ रवाना होगा। तो नाज़रीन, बात यह है कि अगर पाकिस्तान का ये मिशन अब जा रहा है जिसको पाकिस्तान तारीखी कह रहा है, तो हमें पाकिस्तान के इस मिशन की थोड़ी सी तारीफ़ कर देनी चाहिए, क्योंकि अगर हम पाकिस्तान की किसी भी अचीवमेंट की अगर तारीफ़ नहीं करेंगे और या उसको हम क्रिटिसाइज़ करेंगे तो हमारे साथ हमारा जो हमसाया मुल्क है वो इस चीज़ को एक्सप्लॉइट करता है, आपको पता है। तो अब अगर ये मिशन जा रहा है तो इंडिया की स्पेस एजेंसी और इंडिया का मीडिया इस चीज़ को बड़े गौर से देखेगा और इसको हाईलाइट करेगा और देखेगा कि भी पाकिस्तान जो है वो अब वो भी स्पेस में जा के कुछ ना कुछ अचीव करने के चक्रों में है। नाज़रीन, आपको पता है कि हमारी जो स्पार्को है स्पेस के वाले से जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है सरकारी एजेंसी, वो किसी सूरत में इंडिया की स्पेस एजेंसी का मुकाबला तो नहीं कर सकती। हमारी इस दफ़ा जो बजट है वो $25 मिलियन का बजट है स्पार्को का इस माली साल का, लेकिन इंडिया का जो बजट है वो नाज़रीन 1.5 अरब डॉलर से ज़्यादा है। देखिए ना, अब इंडिया एक तो बड़ी मईशत भी है, आबादी भी उसकी बड़ी है, तो उनका बजट हमसे बहुत ज़्यादा है। लेकिन चलें, पाकिस्तान की हम बात करते हैं तो पाकिस्तान चीन की मदद से अपनी जो सैटेलाइट की जो अपना ऑर्बिट्स में सैटेलाइट छोड़ता है, तो अब ये लूनर मिशन जो है, जो चांद का जो मिशन है, उसमें अब पाकिस्तान की कंट्रीब्यूशन भी चाइना के थ्रू आ रही है, तो हम चाइना की हेल्प से एटलीस्ट कुछ ना कुछ अचीव कर सकते हैं। तो नाज़रीन, ये जो इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी है उनका ये कहना है कि ये सैटेलाइट जो IQQ ये डिज़ाइन की गई है, इसमें चाइना की शंघाई यूनिवर्सिटी और पाकिस्तान की जो नेशनल स्पेस एजेंसी स्पार्को, इन्होंने मिलके इसको अपना बनाया है और ये पाकिस्तान की एक हम कामयाबी कहते हैं। अल्लाह करे पाकिस्तान साइंस एंड टेक्नोलॉजी और स्पेस के हवाले से भी जाना जाए और बेशक चीन की मदद से हो या रशिया की मदद से हो, अमेरिका तो हमारी मदद नहीं करेगा। तो अब ये जो चीन के Chang-6 से ये रवाना होगा, ये Chang-6 जो है ये चाइना का लूनर एक्सप्लोरेशन मिशन है जो कि 6वां मिशन होगा। तो उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान की इसमें कंट्रीब्यूशन आएगी और ये जो मिशन जा रहा है इसमें बाकायदा स्पार्को जो पाकिस्तान की स्पेस एजेंसी है उसका लोगो लगाया गया है, जो कि पूरी दुनिया बड़े गौर से देखेगी कि पाकिस्तान जैसा मुल्क जिसमें जो कि डेवलपिंग कंट्रीज़ की डेफिनेशन में भी नहीं आता अभी, तो स्पेस में जाना पाकिस्तान के लिए ये इंडिया जैसे मुल्क और ऐसे मुल्क जो पाकिस्तान से नाला रहते हैं उनके लिए ये बड़ी बात होगी। तो हम ये अब देखेंगे कि ये लाइव टेलीकास्ट आएगी
और पाकिस्तान का नाम चाइना के साथ पूरी दुनिया देखेगी। तो ये जो चाइना का लूनर मिशन है, ये चांद की जो फार साइड है वहाँ पे उतरेगा, यानी चांद की जो दूर की साइड बनती है, फॉर साइड बनती है, वहाँ पे उतरेगा और वहाँ पे सैंपल्स कलेक्ट करेगा उसकी सरफेस से, और उसके बाद रिसर्च के लिए ये ज़मीन की तरफ दोबारा रवाना हो जाएगा। तो अब वही बात, जैसे मैं आपको बता चुका कि पाकिस्तान ने जो अपनी सैटेलाइट बनाई है IQ-Q, और ये अब उस अपना लूनर मिशन के साथ जाएगी। तो नाज़रीन, बात करने का मकसद ये था कि चलें, पाकिस्तान हर फ्रंट पे, हम कहते हैं कि पाकिस्तान को बहुत सारे चैलेंजेस हैं, हमारी मईशत के मसले हैं, सियासत के मसले हैं, जुडिशरी के क्राइसिस हैं, इस्टेब्लिशमेंट के क्राइसिस हैं, और लॉ एंड ऑर्डर के क्राइसिस हैं, और हमारी जो तरक्की या डेवलपमेंट पाकिस्तान में हम देखते हैं वो तरक्की की शरह उसमें वो उस तरह अपना स्पीड नहीं है जिस तरह पाकिस्तान की तरह दीगर जो मुल्क हैं वो तरक्की कर रहे हैं। तो फिर भी इस तरह की सूरत हाल में जब डिसअपॉइंटमेंट नाउमीदी वाली सिचुएशन हो और लोग जो हैं वो पाकिस्तान के वाले से मस्बत बातें कम करते हैं, तो इस तरह की खबर आ जाना कि जिसमें कुछ तरक्की की आपको सोच नज़र आए, या हम देखते हैं कि आपको कुछ प्रोग्रेस होती नज़र आए, वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी हो, वो एजुकेशन सेक्टर हो, वो हेल्थ सेक्टर हो, वो कोई भी सेक्टर हो, तो इस तरह की छोटी छोटी जो डेवलपमेंट्स हैं या प्रोग्रेस है उसको हमें अप्रिशिएट कर देना चाहिए। अल्लाह करे कि ये चाइना का जो लूनर मिशन है ये कामयाबी से पाकिस्तान की सैटेलाइट लेके और चांद की जो बैरूनी हिस्से में लैंड करे, और इससे ये होगा कि पाकिस्तान का नाम भी रोशन होगा। अगर पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने इस चीज़ को सीरियस लिया है कि इंडिया चंद्रयान 3 मिशन को कामयाबी से उतार चुका, तो फिर पाकिस्तान को भी कुछ ना कुछ हलचल करनी चाहिए। पाकिस्तान की का मिशन उस तरह तो नहीं है ये, चूंकि वो इंडिया का प्योर मिशन है, तो पाकिस्तान चाइना के थ्रू अपना चांद की तरफ जाने की एफर्ट्स करता है। तो अल्लाह करे कि ये अगर मिशन कामयाब होता है तो ये पूरी मीडिया में, पूरी दुनिया के मीडिया में ये चीज़ हाईलाइट होगी, और डेफिनेटली पाकिस्तान भी एक फिर कंटेंडर हो जाएगा, एक उम्मीदवार हो जाएगा कि वो स्पेस की रेस में चीन और दीगर दोस्त मुल्कों के साथ मिलके उसमें शामिल होगा, जिससे पाकिस्तान का दुनिया में कद बढ़ेगा। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़।